नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ ऑनलाइन। इस वक्त हम संजय गांधी अस्पताल में हैं। अस्पतालों में त्राहिमाम मचा हुआ है, लाशें यूं ही पड़ी हुई हैं, मगर अब इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। एक एम्बुलेंस के अंदर 4 से 5 लाशें एक कबाड़े की तरह भरी जा रही हैं और वो यहाँ से चली जा रही हैं। उनके रिश्तेदार भी लाशों को नहीं देख सकते हैं और यहाँ का जो हाल है इतना बेकार है। एक माँ अपने बच्चे के बगल में बैठकर रो रही है। यहाँ का हाल देखकर हमारी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। आपको हम दिखा दें, देखिए ये कोविड की लाश तो नहीं है, इसीलिए इसकी इतनी केयर नहीं की जा रही है। ये लाश यूं ही पड़ी है, तमाम मेडिकल स्टाफ कोई भी इसके आसपास नहीं दिख रहा है, इनके प्रयोजन इनके आसपास हैं। लाश यूं ही पड़ी हुई है, कोई आपको एम्बुलेंस आसपास नहीं दिखेगा, ना ही कोई स्टाफ यहाँ दिखेगा, ना ही कोई वार्ड बॉय आपको दिख रहा है, ना ही कोई नर्स दिख रहा है, क्योंकि अब इस देश के अंदर आम आदमी की लाश की कोई वैल्यू नहीं है। आइए जनों से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कब से ये यहाँ पर है। क्या नाम है सर आपका? संजय। सर, ये लाश कब से यहाँ पर पड़ी हुई है? 1 घंटा हो कम। तो क्या यहाँ का स्टाफ कुछ देख नहीं रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, ना एम्बुलेंस नहीं है। कोई 4,000 मांग रहा है, कोई 6,000 मांग रहा है, ये कोई तरीका कोई होता है? एम्बुलेंस वाले पैसे मांग रहे हैं? हाँ, 5-6 हज़ार मांग रहे हैं। वो बाहर एम्बुलेंस करिए, 6,000 रुपये चाहिए, 4,000 चाहिए। अस्पतालों में वसूली चल रही है, ये कोई तरीका कोई होता है? नहीं, वसूली चल रही है ना। नहीं, कोई इंसान मजबूर है, कोई परेशान है, इसका मतलब कोई 5,000-6,000 दे दो। पैसे मांगे जा रहे हैं सर? आज अभी ये अपने सामने खड़ी एम्बुलेंस ही है। तो एम्बुलेंस तो सर फ्री सेवा होती है, आपने कहा नहीं उनसे? वो तो सूरत में खोल रहे हैं ना, मुझे 6,000 रुपये चाहिए। अच्छा, कहाँ से दे देंगे? में पैसा ना हो किसी में इंसान के रोटी खाने का। देखिए स्थिति ये हो चुकी है कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो एम्बुलेंस सरकार फ्री देती है उस एम्बुलेंस के ड्राइवर मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनसे पैसा मांगा जा रहा है, इसलिए 1 घंटे से ये लाश यूं ही लाचार यहाँ पर पड़ी हुई है। इस लाश को घर तक कैसे लेकर जाएं, ये प्रियजनों के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखें, मेरे कैमरामैन प्रॉपर दिखा दें कि ये संजय गांधी अस्पताल का किस तरीके से हाल बना हुआ है। इस लोकतांत्रिक देश में लाश के लिए भी जगह नहीं है, एम्बुलेंस वाले पैसा मांग रहे हैं परिजनों का ये कहना है।